नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले लोन में क्या फ़र्क होता है, ताकि आप समझ पाएँ कि आपके लिए कौन सा लोन सही रहेगा और आप अपनी सुविधा के हिसाब से लोन ले पाएँ। तो दोस्तों, जो पर्सनल लोन होता है वो एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, जो आप किसी भी पर्पज़ के लिए ले सकते हैं। मेडिकल वैकेशन पे जाने के लिए या फिर कोई भी सामान आपको ख़रीदना है, आप उसके लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं। जबकि जो क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला लोन होता है, वो आपके क्रेडिट कार्ड की जो अनयूज्ड आपकी लिमिट बची है उसी का एक सर्टेन हिस्सा होता है, जिसको आप कैश में, मतलब आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, उसको एज ए लोन आप उसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी काम के लिए। आपको जो भी ज़रूरत है आप उनको पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड पे जो लोन मिलता है वो आप जब ATM से विड्रॉ करते हैं उससे काफ़ी अलग होता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की। दोस्तों, पर्सनल लोन पे जो इंटरेस्ट रेट आपको लगता है वो काफ़ी हाई होता है। वो 13 से लेके 22% तक कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट से या फिर कौन से बैंक से पर्सनल लोन ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ये है कि जब भी आप लोन लेते हैं तो यहाँ पे जो लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है वो रिड्यूसिंग बैलेंस रेट होता है। वो क्या होता है वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। वहीं जब आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन लेते हैं, वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी कम होता है। वो 10% से 18% तक कहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो फ्लैट इंटरेस्ट रेट होता है, जबकि पर्सनल लोन पे रिड्यूसिंग बैलेंस रेट लगता है। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला जो लोन होता है वो उनको सस्ता पड़ रहा है, तो वो लोग उसके लिए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रिड्यूसिंग बैलेंस रेट जो होता है वो क्या होता है। मान लीजिए कि आपने 1 लाख का लोन लिया, तो आपको जो पहले महीने जो आप EMI भरेंगे तो आपको वो 1 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लग के आएगा। उसके बाद जब आपने मान लीजिए 10,000 की एक EMI भर दी, तो अगले मंथ जो इंटरेस्ट लग के आएगा वो 90 पे लग के आएगा। जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होता चला जाएगा तो वो उसके ऊपर ही आपको इंटरेस्ट लग के आएगा। तो ये होता है रिड्यूसिंग बैलेंस रेट, जो कि आपको पर्सनल लोन में मिल जाता है। लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन लेते हैं तो वहां पर पहली बार जो आपने फ्लैट अमाउंट जो लिया है उसी के ऊपर आपकी जितनी भी किस्तें हैं आप बढ़ते भी चले जाएंगे, तो आपको जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लग के आएगा। तो जब भी आप ये ले रहे हैं लोन क्रेडिट कार्ड के ऊपर या पर्सनल लोन, तो आप पहले कैलकुलेट कर लें कि आपको किस में फायदा हो रहा है और किस में नहीं हो रहा है। तो अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। पर्सनल लोन लेने के लिए आपको आपके कई सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, सबमिट कराने पड़ते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी जो है सैलरी स्लिप वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं, तब आपको यहाँ पे पर्सनल लोन मिलता है। उस प्रोसेस में आपको कई सारे दिन या फिर हफ्ते लग सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन ले रहे हैं तो वो आपका प्री अप्रूव्ड लोन होता है और वो आपको इंस्टेंटली मिल जाता है, यानी कि वो 24 से 48 आवर्स के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड पर लोन मिलता है वो आपको जल्दी मिल जाता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन आपको वहाँ पे नहीं कराना होता है। अब बात करते हैं कि टेन्योर पीरियड कितना होता है। जनरली क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाले जो लोन होते हैं उनका जो टेन्योर पीरियड होता है वो शॉर्ट होता है, यानी कि आप 3 महीने के लिए भी लोन ले सकते हैं, 6 महीने के लिए भी ले सकते हैं या फिर आप साल के लिए भी ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप जब पर्सनल लोन ले रहे हैं तो आपको मिनिमम 6 महीने या 1 साल का तो लेना ही होगा। उसका जो टेन्योर पीरियड होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो आपको क्रेडिट कार्ड लोन यहाँ पर लेना चाहिए। तो इसके अगला और आखिरी पॉइंट है कि कितना अमाउंट किस में मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट अमाउंट चाहिए, यानी कि छोटा अमाउंट चाहिए, तो आप क्रेडिट कार्ड पे ले सकते हैं अपनी मर्जी से जो भी आपको अमाउंट चाहिए होता है। वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी अनयूज्ड है, उसका सर्टेन पार्ट आपको एज अ लोन मिल जाता है। तो छोटे अमाउंट की लोन के लिए आपको क्रेडिट कार्ड लोन ले लेना चाहिए, और आपको अगर बड़े अमाउंट का लोन चाहिए तो आपको वहाँ पर पर्सनल लोन लेना चाहिए, क्योंकि पर्सनल लोन आपको शायद छोटे अमाउंट के लिए नहीं मिलेगा। ये दोनों ही लोन जो है अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी जो अपनी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंटेशन नहीं करानी पड़ती है, यानी कि आपको कोई अपनी चीज़ गिरवी नहीं रखनी। आपको ये लोन जो होता है वो आपकी सैलरी स्लिप के बेसिस पे ही मिल जाते हैं।
तो यही डिफरेंस है दोनों तरह के लोन्स पे, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम है आपके क्रेडिट कार्ड लोन का, लेकिन वहाँ पे फ्लैट अमाउंट पे ही आपका जो इंटरेस्ट लग के आता है। तो वो आप खुद से कैलकुलेट करें या फिर बैंक से बात करें जहाँ से लोन ले रहे हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट वो लगाएंगे और आप कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, तो आप यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट को कि आपको किस में ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो आप क्रेडिट कार्ड लोन लीजिए, उसमें आपको फायदा रहेगा, और शॉर्ट अमाउंट है तब भी आप क्रेडिट कार्ड लोन लीजिए, उसमें आपको फायदा रहेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड लोन कैसे लिया जाता है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं उस पर आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।